नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक नवीनतम अपडेट में आपके लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सी टेट जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, या कह सकते हैं कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा CBSE के द्वारा यहाँ पे सी टेट जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पे आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। दोस्तों, क्या डिटेल होने वाली है और कौन यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भर सकता है, जो सी टेट के फॉर्म कौन भर सकता है, साथ ही इसकी योग्यताएं क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फीस कितनी रहने वाली है दोस्तों, सभी पॉइंट पे हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही नवीनतम वीडियो आता है दोस्तों आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सीटेट जो एग्जामिनेशन है 2023 का दोस्तों, जिसका एग्जाम दोस्तों यहाँ पे 2024 में करवाने वाला है विभाग, जो कह सकते हैं कि CBSE के द्वारा दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और उसी के एग्जाम के रिगार्डिंग हम यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट या डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसका नोटिफिकेशन यदि आपको दोस्तों चाहिए, या दोस्तों नोट्स PDF और अन्य क्लासेस की दोस्तों आपको नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन है, साथ साथ दोस्तों जो भी अन्य नोट्स और जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आप नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं दोस्तों, यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर लें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सीटेट जनवरी 2024 में दोस्तों इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। सी टेट के फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, और सी टेट एग्जामिनेशन क्या है, कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या रहने वाली, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों, जो नवीनतम ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों उस पर यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों। यदि आपको दोस्तों ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप सर्वोत्तम एकेडमी टेलीग्राम यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ दोस्तों आपको ऑथेंटिक जो सूचनाएं हैं जो विभाग के द्वारा जारी की जाती है, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है, जॉब नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ आपकी तैयारी से संबंधित जो भी क्लासेस हैं, आपको चैनल पे लगातार नवीनतम अपडेट के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आज जनवरी 2024 जो सीटेट एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले, क्या दोस्तों डिटेल है, कंप्लीट दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीटेट, ये मतलब सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हो सीटेट की मुख्य वेबसाइट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन यहाँ पे CBSE के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE दोस्तों यहाँ पे इसका क्या करवाती है, यहाँ पे एग्जाम करवाती है, कि कौन सा एग्जाम, सीटेट, मतलब सीटेट का एग्जाम दोस्तों यहाँ पे, सीटेट का एग्जाम कौन करवाती है, सीटेट का एग्जाम CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ पे दोस्तों एग्जामिनेशन करवाया जाता है। सीटेट सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है, तो ये मुख्य वेबसाइट आप देख पा रहे हो, ये सीटेट की ओरिजिनल या कह सकते हो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, मतलब सीटेट एग्जामिनेशन के लिए जो जनवरी में होने वाला है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या दोस्तों पब्लिक नोटिस यहाँ पे दिया गया है, जिसकी डेट 2/11/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीटेट जनवरी 2024 के रिगार्डिंग दोस्तों। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो, या दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन, मैं दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है आपके लिए वो यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, जिसमें कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन 2/11/2023 को, मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, यहाँ पे जनवरी 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पे दोस्तों पब्लिक नोटिस है, इसमें कहा गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट 18वां, मतलब दोस्तों ये इसका 18वां संस्करण होगा सीटेट का, मतलब सीटेट का कौन सा संस्करण, ये 18वां संस्करण जो जनवरी 2024 में एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, 18th एडिशन ऑफ सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 21/1/2024 दोस्तों, मतलब 21 जनवरी बात कर लेते हैं, 21 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे, 21 जनवरी को यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है, संडे के दिन 21 जनवरी 2024 को ये एग्जाम सीटेट का होने वाला है। कंडक्ट कौन करवा रहा है, CBSE के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और सीटेट का दोस्तों सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पे, द टेस्ट विल बी कंडक्टिंग इन 20 लैंग्वेज दोस्तों, मतलब 20 लैंग्वेज में होने वाला है, और 135 सिटीज यहाँ पे दोस्तों
20 लैंग्वेज इन 135 सिटीज और ऑल ओवर दोस्तों कंट्री, मतलब पूरे भारत भर में दोस्तों 135 सिटी में ये एग्जामिनेशन सीटेट सीबीएसई के दोस्तों यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं आप तो दोस्तों 20 जो मतलब 20 लैंग्वेज है दोस्तों, 20 भाषाओं दोस्तों 135 सिटी में एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं देयर डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेंट द डिटेल एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन फीस और एग्जामिनेशन सिटीज इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल इन सी टी एट ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब जो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने बताया था वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसमें पूरी डिटेल दी गई। यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। फॉर्म स्टार्ट मतलब 3/11/2023 मतलब आज ही की डेट से दोस्तों यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/11/2023 तक, मतलब यहाँ पे दोस्तों 23 नवंबर दोस्तों यहाँ पे 23 नवंबर 2023 तक यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाले हैं, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब पेड दो और फीस की बात कर लेते हैं आप, फीस भी दोस्तों 23/11/2023 मतलब 23 नवंबर 2023 तक यहाँ पे 11:59 बजे तक यहाँ पे क्या मतलब रात्रि 12 बजे तक दोस्तों आप क्या कर सकते हो यहाँ पे फीस का भुगतान कर सकते हो। मतलब फॉर्म सबमिट करने की दोस्तों 23/11/2023 है और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों जो फीस का पेमेंट करने की जो डेट है वो भी यहाँ पे 23/11/2023 ही है। स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 3 नवंबर 2023 को यहाँ पे दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। पूरी डिटेल यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ सिलेबस क्या रहने वाला है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है दोस्तों। वो उसका इंग्लिश संस्करण था, ये हिंदी संस्करण आप देख सकते हो, मैं दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोस्तों 3/11/2023 से यहाँ पे शुरू होगी और जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की यहाँ पे दोस्तों अंतिम तिथि की बात करें 23/11/2023 जो शुल्क भुगतान है दोस्तों यहाँ पे 23/11/2023 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन कहाँ से करना है दोस्तों, मुख्य वेबसाइट है CTET.NIC.in के माध्यम से आप यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हो। कंप्लीट दोस्तों 135 सिटी में लगभग दोस्तों 18वां संस्करण है और 20 भाषाओं में दोस्तों यहाँ पे परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मानदंड परीक्षा शुल्क और परीक्षा शहर की दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप दोस्तों सीटीएट की मुख्य वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे लिया दोस्तों वीडियो पे लगातार बने रहे। यहाँ बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जो फीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसमें जो अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट्स है उससे संबंधित या कह सकते हैं कि जो इमेजेस हैं या सिग्नेचर है दोस्तों यहाँ पे वो अपलोड करने का साइज वगैरह यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं बी सेक्शन में और डी सेक्शन में दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस क्या होता है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है यहाँ पे दोस्तों, और जो क्रिमिनल कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों पेपर ओनली केवल ओनली पेपर वन देना है या दोस्तों पेपर टू देना है, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 से 5वीं कक्षा तक मतलब 1 से 5वीं क्लास तक के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे दोस्तों डीएलएड या कह सकते हैं डीएलएड या बीएसटीसी की हुई है दोस्तों या एसटीसी जिन्होंने किए है वो 1 से 5 तक या दोस्तों फर्स्ट जो लेवल है उसमें एलिजिबल होंगे। जबकि सेकंड लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 6 से 8 तक की क्लास के जो टीचर बनने के इच्छुक हैं दोस्तों वो यहाँ पे जो सेकेंड लेवल में काउंट होंगे और उन्होंने दोस्तों यहाँ पे बीएड किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, मतलब बीएड उनकी योग्यता है। मतलब जो सेकेंड लेवल है बात करते हैं सेकंड लेवल के जो कैंडिडेट हैं पेपर दोस्तों यहाँ पे पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं तो 6 से 8 तक की क्लास के लिए होता है और बीएड इसके लिए अनिवार्य योग्यता है। बात फर्स्ट जो फर्स्ट पेपर है उसकी बात कर लेते हैं तो 1 से 5वीं तक के क्लास के जो कैंडिडेट है जिन्होंने एसटीसी कर रखा है या बीएसटीसी कर रखा है या जो डीएलएड एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पे डीएलएड जो डिप्लोमा दोस्तों ले रखा है वो यहाँ पे कैंडिडेट 1 से 5वीं तक या लेवल फर्स्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं आवेदन। जबकि पेपर सेकेंड या दोस्तों पेपर फर्स्ट की बात कर ली 1 से 5वीं क्लास तक और सेकेंड पेपर की बात कर लेते तो 6 से 8 तक यहाँ पे बीएड अनिवार्य उनके लिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे दोस्तों फीस रहने वाली है। 1000 रुपये फीस कितने रहने वाले जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ओनली केवल पेपर फर्स्ट चूज करना है या दोस्तों पेपर सेकंड, यदि कोई कैंडिडेट है बोथ पेपर मतलब दोनों पेपर देना चाहता है दोस्तों एक साथ यहाँ पे दोस्तों तो उनको यहाँ पे 1200 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा दोस्तों। बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों या दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस निर्धारित किए गए ओनली एक पेपर के लिए, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। लेकिन यदि दोनों पेपर देना चाहता है कैंडिडेट एससी एसटी का या दोस्तों दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनमें दोस्तों यहाँ पे 600 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्जेस एक्स्ट्रा
पे द बैंक, मतलब दोस्तों ये फीस है ओनली यहाँ पे दोस्तों, अलग से जो जीएसटी चार्ज या दोस्तों बैंक चार्ज जो लगता है वो यहाँ पे इसके अतिरिक्त यहाँ पे दे होगा, पे ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे दोस्तों स्वीकार किए जाएंगे किसी भी चीज, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के माध्यम से या दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो और भुगतान वहाँ पे कर सकते हो। भुगतान की 1000 रुपये फीस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में से किसी का भी, लेकिन जो बोथ पेपर यहाँ पे दोस्तों दोनों पेपर के लिए देना चाहते हैं तो 1200 रुपये फीस दे सकता है जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 500 रुपये एक पेपर के लिए, जबकि दोनों पेपर के लिए बात कर लेते हैं तो 600 रुपये यहाँ पे दोस्तों फीस निर्धारित की गई है। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 21/1/2024 को जैसा कि हमने पहले देख लिया था एग्जाम कब होगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया कि सीटेट द शेड्यूल ऑफ सीटेट January 2024 गिवन द ब्लो, मतलब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो 21/1/2024 को ये एग्जाम यहाँ पे सीटेट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा 135 सिटीज में दोस्तों, 135 जो सिटी है उसमें और 20 भाषाओं में दोस्तों, कितनी भाषाओं में, 20 भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट सीटेट के द्वारा करवाया जाएगा। पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों 9:30 से लेकर 12 बजे तक दोस्तों यहाँ पे पेपर रहने वाला है, 2.5 घंटे का दोस्तों यहाँ पे ये क्या रहने वाला है समय, जो काल जो कह सकते हैं कि समय अंतराल दोस्तों 2.5 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है, मतलब आपका पेपर 2.5 घंटे का रहने वाला है। जो कि पेपर सेकंड की बात कर ले दोस्तों, पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो 2 बजे से यहाँ पे और 4:30 बजे तक यहाँ पे दोस्तों, 4:30 बजे तक यहाँ पे लगभग 2.5 घंटे का दोस्तों आपको समय दिया जाएगा, मतलब पेपर फर्स्ट में भी दोस्तों 2.5 घंटे का समय और पेपर सेकंड में। लेकिन दोस्तों पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों 12 बजे तक यहाँ पे दोस्तों पेपर जो सेकंड है यहाँ पे रहने वाला है, जबकि पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, पेपर फर्स्ट यहाँ पे 2 बजे से और 4:30 बजे तक यहाँ पे 4:30 बजे तक दोस्तों आपका यहाँ पे पेपर लगभग 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों एमसीक्यू बेस मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसके आधार पे एग्जामिनेशन होने वाला है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बारे में बात कर लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें पेपर फर्स्ट के बारे में देखते हैं। पेपर फर्स्ट में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, क्लास 1 से दोस्तों 5वीं क्लास, मतलब प्राइमरी जो स्टेज है वो 1 से 5वीं तक की, मतलब क्लास दोस्तों एक क्लास 1 से यहाँ पे दोस्तों और 5वीं क्लास तक के जो भी कैंडिडेट है जो पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई हो सकते हैं या कह सकते हैं दोस्तों पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जबकि बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों पेपर सेकंड, तो 6 से 8वीं क्लास तक के जो कैंडिडेट है अपर प्राइमरी की बात करते हो जाती है दोस्तों, वो यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2.5 आवर, मतलब 2 घंटा और 30 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा अप्रोक्स दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे दोस्तों ऑल कंपल्सरी स्ट्रक्चर और कंटेंट दोस्तों बात करते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 30 MCQ यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 ही नंबर का दोस्तों यहाँ पे आपका ये रहने वाला है। जबकि लैंग्वेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंपलसरी है लैंग्वेज यहाँ पे 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क के, जबकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की बात कर लेते हैं दोनों दोस्तों अलग अलग है। यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड की 30 MCQ और 30 ही मार्क का रहने वाला है। मैथमेटिक्स दोस्तों जो सब्जेक्ट जिनके मैथमेटिक्स है दोस्तों उनके 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे आने वाले हैं, 30 ही मार्क का आने वाला है। जबकि बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज दोस्तों यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि पेपर फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स आता है और इन्वायरमेंट साइंस आता है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडी की बात हो रही है दोस्तों 30 क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों दोनों मिला के यहाँ पे 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स और जो इन्वायरमेंट स्टडी दोनों के 60-60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 ही नंबर के होते हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पे दोस्तों 150 MCQ क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क का ही ये होता है। और बात करते हैं दोस्तों पेपर सेकंड की, दोस्तों यहाँ पे पेपर सेकंड यहाँ पे दोस्तों अपर प्राइमरी एलिमेंट्री जो स्टेज है या अपर प्राइमरी स्टेज है दोस्तों उसकी बात हो जाती है। यहाँ पे क्लास जो 6 है उससे लेके और 8वीं तक, मतलब क्लास 6 से 8 तक के जो कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे बीएड कर रखा है दोस्तों, वो यहाँ पे पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करते हैं इसमें साइकोलॉजी यहाँ पे 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क का, वो लैंग्वेज दोस्तों वही स्ट्रक्चर रहने वाला, लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क के, जबकि लैंग्वेज सेकंड दोस्तों यहाँ पे 30 क्वेश्चन और वही 30 मार्क के। अब बात करते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स और साइंस, जो साइंस और मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं जो मैथ और साइंस से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 60 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 60 ही मार्क के होंगे। लेकिन यदि जो कैंडिडेट यहाँ पे सोशल स्टडी से या सोशल साइंस से रिलेटेड है और सोशल साइंस के यहाँ पे टीचर बनने के इच्छुक है दोस्तों, वो यहाँ पे 60 क्वेश्चन उनके लिए आएंगे और 60 ही मार्क रहने वाले हैं। यदि जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों मैथमेटिक्स और साइंस से है तो उनके लिए यहाँ पे सोशल स्टडी हट जाएगा और जो यहाँ पे दोस्तों जो सोशल स्टडी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स हट जाएगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आपके रहने वाला है। बाकी ये दोस्तों 3 यहाँ पे कंपलसरी रहने वाले, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है कंपलसरी और कंपलसरी, मतलब ये 3 पोर्शन आपके कंपलसरी रहने वाले हैं। ये दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये
आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए बात हो रही है, यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए आपको एसटीसी या दोस्तों यहाँ पे बीएसटीसी करना अनिवार्य है, एसटीसी या दोस्तों बीएसटीसी होना अनिवार्य है, या दोस्तों डीएलएड, जो डीएलएड डिप्लोमा ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, वो होना अनिवार्य है। तो आप पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और पेपर फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे 1 से 5वीं कक्षा तक के जो टीचर है उसके लिए यहाँ पे आप योग्यता रखते हैं। और योग्यता बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आप दोस्तों यहाँ पे बीएड अनिवार्य है, मतलब बीएड आपको अनिवार्य है, मिनिमम दोस्तों यहाँ पे योग्यता है, बीएड की अनिवार्यता है। और बीएड के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, 6 से 8 तक की जो कक्षा में, दो अपर प्राइमरी बात कर लेते हैं दोस्तों, अपर प्राइमरी की बात कर लेते हैं, 6 से 8 तक यहाँ पे दोस्तों आप टीचर बनने की योग्यता रखते हैं यदि आपने बीएड की है। तो दोस्तों पेपर सेकंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि, लेकिन आपने एसटीसी बीएसटीसी या दोस्तों डीएलएड कर रखा है, तो 1 से 5वीं तक की जो कक्षा के शिक्षक बनने के लिए आप योग्य है, और पेपर फर्स्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार का कुछ जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों मैंने डिटेल में बात की, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, पेपर जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है कितने बजे से कितने बजे तक और किस डेट को, यहाँ पे दोस्तों 21 जनवरी 2024 को एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर हमने कम्प्लीट देख लिया, साथ ही साथ दोस्तों जो विभाग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों 2/11/2023 को जारी की गई थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और दोस्तों नोट्स पीडीएफ और अन्य क्लासेस की दोस्तों आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि नवीनतम नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहे दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन लगातार अपडेटेड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना न भूलें दोस्तों। नवीनतम वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।